कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं जो कि असल में गिड़गिड़ा रहे थे। और हमें स्क्रीन पर एक कोट देखने को मिलता है जिसमें ये लिखा था कि मैं पूरी दुनिया की भूख ख़त्म करना चाहता हूँ, आधे भूखे लोगों को मारकर दूसरे भूखे लोगों को खिला कर उनका पेट भर के, जो कि बहुत ज़्यादा डरावना कोट था। अब यहाँ पर एक आदमी एक औरत को मार चुका था जिसके बदले में उसे खाने को मिलता है। ये आदमी गिल्टी तो था लेकिन फिर भी खाना खा रहा था। वो पीछे पलटता है तो वही लेडी मरी हुई पड़ी होती है जिसके चेहरे से खून बाहर आ रहा था। ये आदमी यहाँ पर एक चैम्बर में था जहाँ पर स्पीकर से आवाज़ आती है और जू कीपर नाम का ये आदमी उस लेडी को घसीट कर ले जाता है। और अभी अभी जिस लेडी को उस आदमी ने मारा था वो और कोई नहीं बल्कि उसकी ही वाइफ थी। और बस यहीं से शुरुआत होती है इस मूवी की। अब यहाँ पर तीन यंगस्टर्स फ्रीडम नाम के एक बंद पड़े हुए टाउन में जा रहे थे। बेक एक कॉमिक लिखता था और कैंडिस बेक की गर्लफ्रेंड थी और जिमी बेक का भाई था। फ्रीडम नाम के इस टाउन में बहुत पहले माइनिंग मिल्स हुआ करती थी। फिर एक दिन एक हादसा हुआ जिससे कि ये मिल्स या यूँ कहे तो खदानें जमीन में ही ढह गई। तब से ये टाउन बंद पड़ा है लेकिन लोगों के अकॉर्डिंग इस टाउन में ऐसे बच्चे रहते हैं जो कि इन खदानों की गहरी खानों में रहते हैं और इंसानों को मारकर खाते हैं। लेकिन ये बस टाउन के द्वारा फैलाई गई अफवाह थी। बेक एक थ्रिलर नॉवल लिख रहा था और इसी के चलते वे इस फ्रीडम टाउन में जा रहे थे। बट जब ये एक ब्रिज के नीचे से क्रॉस कर रहे थे तो सडनली कोई पर्सन इनकी कार पर एक बड़ा सा पत्थर फेंक देता है जिससे कि ये बाल बाल बचते हैं, लेकिन कार की विंड स्क्रीन टूट जाती है। बेक कार से उतरकर उस पर्सन के पीछे जाता है लेकिन कैंडिस उसे मना कर देती है क्योंकि इस टाउन में पहले से ही बहुत ज़्यादा अफवाह फैली हुई थी। अब ये तीनों अपनी टूटी हुई कार को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर कैंडिस फ्रेश होती है, जिसके बाद में ये सभी वहाँ से कुछ खाने को लेते हैं और फिर इस रेस्टोरेंट से वापस चले जाते हैं, जहाँ पर बाहर बेक अपनी फीलिंग कैंडिस से शेयर करता है कि वो उससे शादी करना चाहता है और जब उसकी नॉवेल पूरी हो जाएगी तो वो दोनों शादी कर लेंगे। जब ये टाउन पहुँचते हैं तो टाउन पहुँचते पहुँचते शाम हो जाती है और ये टाउन पूरी तरह से खाली था। फिर जेमिनी एक अबेंडन घर में चला जाता है जिसे बुलाने के लिए कैंडिस और बेक भी उस घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन सडनली कोई पर्सन वहाँ पर आता है और कैंडिस की कार चुरा कर वहाँ से ले जाता है क्योंकि कैंडिस ने कार की चाबी कार में ही छोड़ दी थी। और अब ये तीनों यहाँ पर इस खाली पड़े टाउन में फंस चुके थे। इन सभी के पास फ़ोन तो थे लेकिन इस टाउन में कोई सिग्नल टावर नहीं था और फ़ोन में नेटवर्क बहुत कम आ रहा था, इसीलिए बेक एक घर की छत पर चढ़ जाता है और 911 पर कॉल करके उनकी लोकेशन बताता है, लेकिन उसके कॉल पूरा नहीं हो पाता क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क बहुत ही कम आ रहा था। कैंडिस उस घर के अंदर कुछ चेक करती है और उस घर की विंडो से उसे उसकी कार दिखाई देती है। कैंडिस बाहर आकर बेक को बताती है कि अभी अभी उसने उसकी कार को देखा है, लेकिन सडनली पीछे से कोई उसके सिर पर मारकर उसे वहाँ से घसीटता हुआ कार की डिक्की में डाल देता है और ऐसा करते हुए उसे बेक देख लेता है। बेक कैंडिस की मदद करने के लिए भागता है लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ये आदमी वही जू कीपर था जो कि मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। वो बेक को एक इलेक्ट्रिक रॉड से शॉक देता है और फिर फायर एक्सटिंग्विशर से CO2 गैस उसके ऊपर छोड़कर उसे और कैंडिस को दोनों को ले जाता है। कैंडिस को जब होश आता है तो वो एक पिंजरे में बंद थी और ये पिंजरा एक बंद पड़े हुए रूम में था। बेक की हालत तो इससे भी ज़्यादा ख़राब थी, उसे तो ऊपर से नीचे तक किसी ने टेप से लपेट दिया था। अब अगेन स्पीकर से कोई पर्सन बोलता है और वो उनका वेलकम करता है। वो ये बताता है कि ये दोनों एक स्कूल में हैं और वो आदमी यहाँ का प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल माइक में अजीब अजीब बातें कह रहा था, जैसे कि कोई पर्सन खाने के लिए कुछ भी कर सकता है, मतलब कि कोई इंसान खाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, वो मर भी सकता है और किसी को खाने के लिए मार भी सकता है। कैंडिस उस आदमी की बातों से परेशान होकर वहाँ पर लगा हुआ CCTV कैमरा देख लेती है और वो उसे तोड़ देती है, जिसके बदले में स्पीकर से बस यही आवाज़ आती है कि कैंडिस को इसके बदले में और कठोर सज़ा मिलेगी। यहाँ पर बेक खुद को टेप से आज़ाद कर चुका था। बेक को यहाँ पर नोरा नाम की लड़की मिलती है जो कि उसे बताती है कि वो और उसके पिताजी दोनों को यहाँ पर कैद कर लिया गया है। एंड सडनली यहाँ पर जू कीपर आकर बेक को पानी का ग्लास ऑफर करता है और उसे खाने का लालच देता है, लेकिन वो उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं देता।
ज़ूकीपर एक डोर को अनलॉक करता है जिसमें बेक ये देखता है कि एक आदमी वहाँ पर ऑलरेडी बैठा हुआ है। बेक उस आदमी से पूछने की कोशिश करता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं और उनके साथ यहाँ पर क्या होने वाला है। वो अकेला बैठा हुआ आदमी बेक को बताता है कि प्रिंसिपल उन्हें यहाँ पर भूखा और प्यासा रखता है। वो उन्हें कई दिनों तक खाना नहीं देता और खाने के बदले में उन्हें एक दूसरे से लड़ाई करनी होती है। इस खाने की लड़ाई में उन्हें सामने वाले को मारना होता है जिसके बाद में उन्हें खाना मिलता है और फिर यही प्रक्रिया वापस होती है। उन्हें हफ्तों तक भूखा रखा जाता है और फिर खाने के लिए उन्हें लड़ाई करनी पड़ती है। वो आदमी बेक को ये बताता है कि वो यहाँ पर कई हफ्तों से है और वो अभी तक यहाँ पर 6 से भी ज़्यादा लोगों को मार चुका है जिसमें उसकी पत्नी भी शामिल है। मतलब कि इस आदमी ने खाने के लिए अपनी पत्नी तक को मार डाला। फिर यहाँ पर ज़ूकीपर खाना लेकर पहुँचता है और प्रिंसिपल माइक में ये अनाउंस करता है कि उन्हें खाना तभी मिलेगा जब उन दोनों में से कोई एक दूसरे को मार दे। बेक लड़ाई करना नहीं चाहता था लेकिन प्रिंसिपल उससे कहता है कि वो अगर लड़ाई नहीं करेगा तो इस आदमी से लड़ने के लिए वो कैंडिस को भेज देगा। मतलब कि बेक की जगह इस आदमी से कैंडिस लड़ेगी। जिसे सुनने के बाद में बेक लड़ाई के लिए रेडी हो जाता है लेकिन ये आदमी तो लड़ाई के लिए उतावला हो रहा था, या यूँ कहे कि ये खाना खाने के लिए उतावला हो रहा था। ये आदमी कई हफ्तों से भूखा था और खाने के लिए कुछ भी कर सकता था। शुरुआत में बेक इस आदमी को नहीं मानना चाहता था लेकिन ये आदमी खाने के लिए कुछ भी कर सकता था और किसी भी हद तक जा सकता था। ये आदमी बेक को मारने की कोशिश करता है और अपने सेल्फ डिफेंस में बेक उस आदमी के हाथ के पंजे को एक बड़े से चाकू से काट देता है और फिर दूसरा वार वो इसकी गर्दन पर करता है जिससे कि ये आदमी मर जाता है और बेक इस लड़ाई को जीत लेता है। बेक की इस जीत के रिवॉर्ड में प्रिंसिपल उसे खाने के लिए देता है लेकिन बेक ऐसा खाना नहीं खा सकता था और वो ये खाना ज़ूकीपर के ऊपर फेंक देता है। ये सभी लोग जहाँ पर बंद थे, ये फ्रीडम टाउन का एक हाई स्कूल था और प्रिंसिपल कैंडिस के पास वाले रूम में ही था जिसे कैंडिस एक होल के ज़रिए देख सकती थी। कैंडिस को यहाँ पर कई हफ्ते हो चुके थे और उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला था। कैंडिस इतनी ज़्यादा भूखी थी कि वो कॉकरोच को ही खा लेती है और उसे ऐसा करता हुआ देख नोरा वहाँ पर आती है और कैंडिस को पानी पिलाती है। प्रिंसिपल कैमरे में नोरा को कैंडिस की हेल्प करता हुआ देख लेता है और उसे ले जाकर एक रूम में छोड़ देता है जहाँ पर एक आदमी को लाया जाता है, या यूँ कहें कि आदमी के रूप में एक जानवर को छोड़ा जाता है। वो आदमी नोरा को उठाकर दीवार पर इतने ज़ोर से पटकता है कि उसका सिर फट जाता है और नोरा का खेल यहीं पर ख़त्म हो जाता है। जिसके बाद में ये आदमी नोरा के मांस को चाटने लगता है। कैंडिस को कई हफ्तों से खाने के लिए नहीं मिला था और खाने के बदले में उससे लड़ाई करनी थी, जिसके बदले में ज़ूकीपर एक खतरनाक औरत को वहाँ पर कैंडिस से लड़ने के लिए छोड़ता है और मारने के लिए उसे एक कैंची मतलब कि सीजर दे देता है। और यहाँ पर बैग के पीछे वो आदमी पड़ जाता है जिसने कि अभी अभी नोरा को मारा था और वो अब बैग को मारने वाला था, जिससे बचने के लिए बैग वहाँ से भागने का रास्ता ढूंढ रहा था। यहाँ पर ये औरत अपनी भूख से इतनी ज़्यादा परेशान थी कि वो कैंडिस पर कई वार करती है लेकिन कैंडिस उससे बचकर वो सीजर को छुड़ा लेती है और उसकी आंखों में उस सीजर को घुसा देती है जिससे कि कैंडिस से खाने की लड़ाई को जीत लेती है। और फिर सडनली बेक कैंडिस के रूम में पहुंच जाता है उस आदमी से बचते हुए। कैंडिस बेक को ये कहती है कि प्रिंसिपल पास वाले रूम में ही है और उसके पास कैमरे तो कई सारे हैं लेकिन मॉनिटर एक ही है, वो एक टाइम पर बस एक ही कैमरे पर नज़र रख सकता है। कैंडिस और बेक एक दूसरे से ये बातें करते हैं कि यहाँ पर कई सारे लोग फंसे हैं और उनके बचने का कोई भी रास्ता नहीं है, उन्हें जल्दी मार दिया जाएगा। अब यहाँ पर ज़ूकीपर आता है कैंडिस की जीत पर उसे एक पिज़्ज़ा का स्लाइस देने के लिए, लेकिन बेक उस पिज़्ज़ा स्लाइस को पहले ही खा लेता है क्योंकि वो कई ज़्यादा दिनों से भूखा था। कैंडिस ज़ूकीपर से कहती है कि वो उसके लिए एक और पिज़्ज़ा का स्लाइस लाकर दे जिसके बदले में वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। कुछ भी से मतलब है कुछ भी। ज़ूकीपर कुछ देर सोचता है लेकिन प्रिंसिपल उसे बुला लेता है, जिसके बाद में कैंडिस बेक पर बहुत ज़्यादा नाराज होती है क्योंकि वो उसका पिज़्ज़ा का स्लाइस खा चुका था। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इंसान खाने के लिए कुछ भी कर सकता था। कैंडिस पूरी तरह से खाने के लिए पागल हो चुकी थी। वो बेक के पेट में से वापस खाना निकलाती है, वो उसके मुँह में उंगली डालती है और उसे उल्टी करवा कर उसके पेट से निकला हुआ पिज़्ज़ा खा लेती है, जिसके बाद में बेक उस मरी हुई औरत के पेट में से सीजर निकालता है और उसे एक दीवार में जाकर चेक करता है। अब ये सीन कट होकर उसी रेस्टोरेंट पर आ जाता है जहाँ पर कैंडिस और बाकी के लोग गए थे।
उस रेस्टोरेंट में एक डिटेक्टिव आई हुई थी और वो कैंडिस और बाकी लोगों के बारे में पूछ रही थी, क्योंकि इन सभी को गायब हुए एक महीने से ज़्यादा हो चुका था और उनकी कोई भी खबर नहीं थी। फिर वहीं रेस्टोरेंट में बैठा हुआ एक बूढ़ा आदमी डिटेक्टिव को ये बताता है कि उसने उन तीनों बच्चों को देखा है, और वो आदमी उस डिटेक्टिव को उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर उसने उन्हें आखिरी बार देखा था। इधर स्कूल के अंदर बेक और कैंडिस के पास में जू कीपर खड़ा हुआ था और बस वो कैंडिस को ही देख रहा था। शायद जू कीपर को कैंडिस की बात समझ में आ चुकी हो और कैंडिस भी इस बात का फ़ायदा उठाती है। वो जू कीपर से खाने के लिए कुछ मंगवाती है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। जो सीज़र बैग को मिली थी वो उससे रोज़ दीवार में होल बना रहा था, जिसकी खबर उसके और कैंडिस के अलावा किसी को नहीं थी। जब बैग दीवार में होल करता था तब कैंडिस वहाँ पर पहरा देती थी। फिर कैंडिस बैग को ये बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है और वो प्रेग्नेंट है। कैंडिस बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी क्योंकि उन्हें बहुत टाइम से खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया था। अब यहाँ पर जो आदमी डिटेक्टिव को लेकर आया हुआ था वही प्रिंसिपल था, जिसका असली नाम था एजविक। प्रिंसिपल डिटेक्टिव को स्कूल में ले जाकर उसे एक हैमर से मारकर उसे बेहोश कर देता है और उसे एक दूसरे भूखे आदमी के सामने लाकर छोड़ देता है उससे लड़ने के लिए, और ये भूखा आदमी था नोरा का फादर। जू कीपर उस डिटेक्टिव और उस आदमी को रोड़ देता है एक दूसरे से लड़ने के लिए, लेकिन डिटेक्टिव ये समझ नहीं पाती कि यहाँ पर चल क्या रहा था और उसे यहाँ पर क्यों छोड़ा गया है। फिर अगेन बेल रिंग होती है, जिसके बाद में दोनों खाने के लिए और जान बचाने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं। ये आदमी डिटेक्टिव के मुंह में एक रॉड को घुसाकर उसे ख़त्म कर देता है और अपनी मील को एंजॉय करता है। हम ये देखते हैं कि बैग दीवार में पूरी तरह से होल कर चुका था। वो दोनों बस बाहर निकलने ही वाले थे कि प्रिंसिपल को पता लग जाता है कि उनका कुछ प्लान है। वो उन दोनों को पानी देने के बहाने आता है, जिसमें कि नींद की दवाई मिली हुई थी, जिसे पीने के बाद में दोनों बेहोश हो जाते हैं। और जब बेक को होश आता है तो वो एक रूम में होता है जहाँ पर उसके भाई जेमिनी को कई हफ्तों से भूखा रखा गया था। जू कीपर जेमिनी को खाना दिखाता है क्योंकि वो कई हफ्तों से भूखा था और वो खाने के लिए कुछ भी कर सकता था, जिसके बाद में वो जेमिनी को एक गन देता है जिसमें एक ही बुलेट थी, जिससे कि जेमिनी अपने भाई को मारकर अपना खाना खा सकता था। लेकिन वो ऐसा नहीं करता और वो अपने भाई को मारने के बजाय खुद की ही जान ले लेता है, जिससे कि इस लड़ाई में कोई नहीं जीतता और दोनों को ही खाना नहीं मिलता। फिर प्रिंसिपल बैग को दूसरे रूम में डाल देता है जहाँ पर और भी ज़्यादा लोग कैद थे। अगेन बैग की फ़ाइट होती है और वो वापस से फाइट जीत जाता है क्योंकि वो कराटे में ब्लैक बेल्ट था। प्रिंसिपल मौके का फ़ायदा उठाता है और वो कैंडिस के पास जाकर उसे फिजिकली एब्यूज़ करने लगता है, लेकिन कैंडिस उसे चेयर से मारकर वहाँ से भाग जाती है। बैग भी अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और वो पिंजरे के अंदर से ही जू कीपर को पकड़ता है, लेकिन जू कीपर को पकड़ने की कोशिश में उसका हुड उसके ऊपर से उतर जाता है और सभी को ये देखने को मिलता है कि जू कीपर कोई आदमी नहीं बल्कि एक उजली हुई औरत है जो कि अपने आप को हर टाइम ढके हुए रहती है। अब प्रिंसिपल मतलब कि एजविक एंट्री लेता है और वो ये बताता है कि जब फ्रीडम टाउन में खदानें ज़मीन में धंसने लगी थी तो वो अपनी बीवी और अपनी बच्ची के साथ में भाग रहा था, लेकिन उसकी कार एक गहरे गड्ढे में जा गिरी और तीनों उस गड्ढे में ही फंस गए। उस गड्ढे में वे तीनों हफ्तों तक रहे, उनके पास में न खाने को कुछ था और न ही पीने के लिए। वे कई हफ्तों तक ऐसे ही फंसे रहे और उन्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं आया। उस गड्ढे के अंदर उसने और उसकी बीवी ने अपनी बच्ची को मार दिया और उसे खाकर वे दोनों जिंदा रहे। एजविक किस्मत वाला था लेकिन उसकी बीवी नहीं। वो खदान में से निकल रही गैसों की चपेट में आ गई, जिससे कि उसकी पूरी चमड़ी जल गई और वो ऐसी दिखने लगी। अब प्रिंसिपल कैंडिस और बैग की फाइट चाहता था। वो उन्हें गन देता है और वहाँ से चला जाता है। कैंडिस बहुत ज़्यादा भूखी थी और वो खाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। वो बैग की तरफ फायर करती है, जिससे कि जू कीपर को ऐसा लगता है कि उसने बैग को मार दिया, लेकिन बैग उसे ही उसके इलेक्ट्रिक रॉड से मार देता है क्योंकि कैंडिस ने उसके ऊपर फायर नहीं किया था। जिसके बाद में कैंडिस और बैग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और वे दोनों अलग अलग रास्ते पर जाते हैं क्योंकि प्रिंसिपल कैमरे में उन्हें देख रहा था,
लेकिन वहाँ पर एक ही मॉनिटर था और वो एक टाइम पर बस एक ही कैमरे में देख सकता था। बैक गन को लेकर प्रिंसिपल के ऑफिस में जाता है उसे मारने के लिए, लेकिन प्रिंसिपल बैक को उसके ऑफिस में बंद करके कैंडिस के पीछे निकल जाता है। कैंडिस जैसे तैसे स्कूल से बाहर आती है और उसे एक पुलिस की कार नजर आती है। कैंडिस उस पुलिस की कार से हेल्प मांगती है और उसे रोकती है, लेकिन इस कार में पुलिस नहीं प्रिंसिपल था। वो कैंडिस की तरफ कार लाता है और उसे कार से ठोक देता है। यहाँ पर स्कूल के अंदर बैक को यह याद आता है कि प्रिंसिपल के ऑफिस के पास में वही रूम है जहाँ पर उसने होल किया था, और वो तुरंत उस रूम में पहुँचता है और स्कूल से बाहर आता है। जिसके बाद में बैक बाहर आता है और प्रिंसिपल को गोली मारकर कैंडिस को प्रिंसिपल से बचाता है। जिसके बाद दोनों अपनी कार से वापस शहर की तरफ निकलते हैं और जाते समय रास्ते में बैक कैंडिस को प्रपोज करता है, लेकिन कैंडिस की उंगली इतनी ज़्यादा सूजी हुई थी कि उसकी उंगली में रिंग नहीं जाती। और लास्ट सीन में हम ये देखते हैं कि पुलिस स्कूल तक पहुंच जाती है जहां से कई सारे लोग मिलते हैं जो कि कैद थे और वे भूखे भी थे। तो दोस्तों, ये मूवी तीन फ्रेंड्स के ऊपर है जो कि एक टाउन फ्रीडम में जाते हैं फन और अपनी नॉवेल के लिए, लेकिन यहाँ का पूरा सच उन्हें नहीं पता था। टाउन में फैली अफवाह से उन्हें बस ये पता था कि कुछ बच्चे इन लोगों को मारते हैं और इन खदानों की गहरी खानों के अंदर रहते हैं, लेकिन सच तो ये था कि एक प्रिंसिपल भूख और जान का ऐसा खेल खेलता है जो कि बहुत ज़्यादा भयानक था। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में मुझे बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जल्दी कई सारे वीडियोस आने वाले हैं।